भारत लोक संगीत उत्सव 2024 एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वावधान में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही है। इस उत्सव का खास बात ये है कि यहाँ लोक संस्कृति और परंपरा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रतिभागी अपने अपने पारंपरिक और लोक नृत्य संगीत फोक फ्यूजन प्रस्तुत करेंगे। आइए बिना देरी किए देखते हैं भारत के विभिन्न और रंग बिरंगा संस्कृति और परंपरा को और जानते हैं लोक के महत्व और सुंदरता को। आज के इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ अगर हम भगवान का नाम लेकर करते हैं तो उसका सफल होना निश्चित है और इसी को अब मंच पर दर्शाते हुए सभी आदरणीय जनों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर ऊपर वाले की स्तुति ताकि ये जो भव्य कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल रहे। मंच पर भारत लोक संगीत एवं अरुणाचल उत्सव 2024 के अध्यक्ष तथा राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री चौना बेन जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री तापिर गांव जी, साथ ही आदरणीय विधायकगण चौ जिंदू नामचुंग जी, ऑनरेबल एमएलए नामसाई, श्रीमती जुमुम एते देवरी जी, ऑनरेबल एमएलए लेकांग, श्रीमती गुम तांग जी, ऑनरेबल एमएलए दाम्बू, श्री मुचुमिथी जी, ऑनरेबल एमएलए रोई, हमारे बीच मौजूद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित करें। महोदय, आपके दिशा निर्देश आपके मार्गदर्शन से ही ये जो भव्य कार्यक्रम है वो बहुत ही सफलतापूर्वक नामसाई में आयोजित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऑनरेबल एमएलए नामसाई श्री चौ जिंगदू नामचुंग सर से। सर, आप भी कृपया स्नेहभेद स्वीकार करें और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कृपया स्नेहभेद प्रदान करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती गुम तांग जी को। हमारे साथ मुचुमिथी सर मौजूद है, ऑनरेबल एमएलए रोई हमारे साथ मौजूद है, श्रीमती गुम तांग जी, ऑनरेबल एमएलए तांबू ग्रहण करें और सुविनियर प्रदान करेंगे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एमपी साहब। मैं ऑनरेबल एमएलए श्री मोपी मिहू जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कृपया सर आप भी सुवेनियर भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 ऐसे स्वीकार करें। पुदुचेरी से डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर हमारे मध्य विराजमान और उनका माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अपने कार्यक्रमों से सम्मानित कर रहे हैं। A big round of applause please, they've come from really really far away, Namsai, we can do a lot more.
नामसाई के जो प्यारे दर्शक हैं, आप लोगों की ओर से तालियों की बहुत ही कमी है। प्लीज आप लोग बहुत ही जोरदार तालियों के साथ, ये हमारे गेस्ट हैं, आप ही इनका अभिनंदन और स्वागत करें। We welcome you, Dr. Thupson Norgu, Assistant Editor, Cultural Department, Ladakh. Bismillah Khan Award से सम्मानित गुलजार अहमद भट्ट साहब, जम्मू एंड कश्मीर से हमारे मध्य। बहुत ही जोरदार तालियां चाहेंगे दिव्य सज्जनों। कल्चरल ग्रुप के ग्रुप लीडर मंच पर हमारे बीच दिव्य सज्जनों। We welcome you to Arunachal and hope you have a pleasant stay and have a great time this evening. Thank you. सभी ग्रुप लीडर से हम निवेदन करेंगे, आप कृपया मंच के सामने आ जाएं। Marjorie Mars team of Assam. देवी सज्जनों, ढोल की थाप के साथ तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी जोर से ढोल बज रहे हैं, आप सबों की तालियां भी। We are honored by your presence here amongst us in Arunachal Pradesh. Welcome, Tamil Nadu. Amongst us this morning. मैं पहले तो सारे भारतवर्ष से अलग अलग प्रदेशों से जितने भी कल्चरल ट्रूप्स आए हुए हैं, उनका लीडर्स में आपको तहे दिल से नामसाई में अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं। तो भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 पहला दफा के लिए अरुणाचल प्रदेश में आया है, इसीलिए हमने सोचा कि भारतवर्ष का खास तौर से हमारा जितना भी हिमालयन स्टेट है उसको और जहाँ जहाँ जो जो अलग स्टेट से मैं बुलाऊँ उनको, उनका कलाओं को देखूँ, कला का एक इंटीग्रेशन हो, एक्सचेंज हो, लोगों पे एक्सचेंज हो, तो इस तरह का एक आयोजन करने के लिए ये पहला कोशिश है। और आज से मैं ये ऐलान करता हूँ, हर साल एक कैलेंडर इवेंट होगा। हर साल हम भारत के कोने कोने से हम सांस्कृतिक ग्रुप को हम बुलाएंगे, कल्चरल ट्रूप्स को बुलाएंगे, एक कल्चरल एक्सचेंज होगा, बहुत बड़ा एक 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 कल्चरल परंपरा का शुरू होने वाला है। हम अरुणाचल प्रदेश बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ में, हम 26 मेजर ट्राइब्स है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग कल्चर है,
लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम यूनाइटेड ही रहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर हमें भारतवर्ष को विकसित होना है, पूर्ण रूप से विकसित होना है, तो हमारा अपना संस्कृति को भूलना नहीं है, अपना परंपरा को छोड़ना नहीं है, अपना इतिहास को जीवित रखना है। हम जितने भी विकसित हो, अगर हमारा अपना परंपरा, अपना इतिहास, अपना भाषा को खो जाएगा आप, तो अपना आइडेंटिटी रहेगा क्या? इसलिए भारतवर्ष का विकसित होने से हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको जीवित रखना। तो एक कल्चरल इंटीग्रिटी डाइवर्सिटी, तो इतना डाइवर्सिटी, इन स्पाइट ऑफ आवर डाइवर्सिटी एज एन इंडियन वी हैव टू बी यूनाइटेड, यही मूल मंत्र लेके एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंच लाया है। उसी मंच का, उसी उद्देश्य का आधार पे यहाँ अभी भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव का ये शुरू हो रहा है। हम नेचर का साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ घने जंगल है, पहाड़ है, नदियां है, बर्फ है, बर्फीला जगह है, तो इस तरह का जो सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी अरुणाचल प्रदेश, जो बायोडाइवर्सिटी है, 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से अरुणाचल प्रदेश भी एक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी जितना ही रिच है, उतना जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी जो जितना रिच है, उतना ही हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी उतना ही रिच है, उतना ही धनी है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। देश भर से आए हुए कलाकारों को नमस्कार। हमारा 20 आस उत्तराखंड से और मिजोरम से, त्रिपुरा से, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम, लद्दाख, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश के कल्चरल ट्रूफ है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने यह सपना देखा था कि एक भारत शेष भारत देश को कैसे हम जुड़े। और पहली बार ये एक ऐसा इवेंट है नामसाई में, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और यहां हर कोने से, देश भर से आए हुए कलाकार है। ये केवल कला दिखाने के लिए नहीं है, ये अपना हिंदुस्तान में अपना पहचान बनाने का ये एक दायस है, ये एक प्लेटफॉर्म है। यहां जितना कलाकार है पहली बार अरुणाचल में आया होगा, ये हिंदुस्तान का एक नमूना है, एग्जाम्पल है। भाषा अनेक है, रहन सहन अनेक है, लेकिन हम अरुणाचली है, हम एकत्रित है। और सीमावर्ती इलाका में बिना बंदूक का सिपाही है अरुणाचल के लोग, जो देश को रक्षा करता है और देश का रक्षा के लिए यहां लोग जी रहे हैं। तो इसलिए आप यहां से जब जाएंगे, आप ये मैसेज लेके जाइए कि अरुणाचल भी भारत का अभिन्न अंग है। यहां के लोग हिंदी अच्छा बोलता है, इंग्लिश अच्छा बोलता है, ओखोमिया बाल के कोबो पारे, बेंगोली बाल के कोबो पारे, ऐसा अनेक ट्राइब होते हुए भी एक अच्छा प्रदेश है और यहां के लोग भी बहुत अच्छा है। ये मैसेज आप लोग कैरी कर दीजिए। आज ये भारत लोक संगीत, मैं ये बताना चाहता हूं, ब्रिटिश राज में एक प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का, चर्चिल। चर्चिल ने एक पॉलिसी बनाया देश को राज करने के लिए कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना चाहिए। इसलिए चर्चिल ने जो हमारा परंपरा एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम को कॉन्वेंट स्कूल में कन्वर्ट करके जो गुरुकुल पढ़ाएगा, उसको ब्रिटिशर्स ने हेवी टैक्स लिया। इसलिए गुरुकुल जो पुराना जमाने का सदियों से आया हुआ जो स्कूल सिस्टम जो है, चर्चिल ने पॉलिसी में खत्म कर दिया।
और हमारा कला संगीत इस परंपरा को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन भारत मां ने इसको रेजिस्ट किया। सरसिल का पॉलिसी इंडिया में फेल हुआ, एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, फिर भी हमारा कला, हमारा संगीत, हमारा डांस, हमारा परंपरा को सरसिल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसी ने खत्म नहीं कर पाया। इसलिए आज यही एक देश है भारत देश, जहां हर स्टेट, हर कम्युनिटी अपना कला को बरकरार रखा है। बहुत ही जोरदार तालियां देवे सज्जनों, कल्चरल कंपटीशन के थर्ड प्राइज विनर। It was an amazing performance. You'll get to see, witness the performance of the three winners. बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा में सज्ज कर पहले प्राइज विनर ऑन द स्टेज देवे सज्जनों। Congratulations, Namsai. Tokai, Peacock and Cock Dance, Tai Khamti. Tala le lo mala cha do na so.
I'm a little too early. I'm a little too early. I'm a little too early.